हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो पहले मैं दक्षिण भारत के कुछ मुद्दों के बारे में उठाऊंगी। बीजेपी का एक ऐसा नेता तमिलनाडु में उभर के आया है जिसके लिए मीडिया अटेंशन काफ़ी कुछ आ रहा है, वो है अन्नमलाई जी। तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि तमिलनाडु में बीजेपी को डबल डिजिट फिगर आएंगे, तो क्या ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस है कि आप भी तमिलनाडु इतनी बारी जा चुके हैं? पहली बात है कि तमिलनाडु जनसंघ के जमाने से और भारतीय जनता पार्टी, मैं कहता हूँ पांच पांच पीढ़ी हमारी इस विचार के लिए वहाँ खप चुकी है, तो एक निरंतर काम चला है। जब कांग्रेस से लोग निराश हुए तो प्रादेशिक पक्षों की तरफ गए और लंबे अरसे तक प्रादेशिक पक्षों का जो कुछ भी कामकाज देखा है, अब लोग निराश हो गए। निराशा के इस माहौल में उन्होंने दिल्ली में भाजपा की सरकार का मॉडल देखा, हिंदुस्तान में अन्य राज्यों में भाजपा की सरकार का मॉडल देखा, देश भर में जो तमिल बंधु रहते हैं उन्होंने अपने घरों में जाके बताया भी हम जिस राज्य में रहते हैं वहाँ तो ये हो रहा है। तो लोग स्वाभाविक तमिल प्रजा कंपेरिजन करने लगी कि जो हवा खड़ा किया गया था ये तो अच्छा काम कर रहे हैं। अब जैसे मैंने तमिल काशी संगम किया तो तमिलनाडु में डीएमके पार्टी वाले लोग ये तो पानीपुरी वाले कर करके मजाक उड़ाते थे, लेकिन जब तमिलनाडु के लोग काशी संगम कार्यक्रम में आए और काशी का रूप रंग देखा, उन्होंने कहा ये हमने तो जो सुना था ऐसा नहीं है, ये तो बहुत डेवलप दिखता है, बड़ी प्रगति हो रही है, आईटी का नेटवर्क दिखता है, तो सोचने का तरीका बदलने लगा और उसके कारण डीएमके के प्रति जबरदस्त गुस्सा पैदा हुआ है। मैं कल्पना नहीं करता हूँ इतना बड़ा गुस्सा पैदा हुआ है। वो गुस्सा पैदा डाइवर्ट हो रहा है बीजेपी की तरफ पॉजिटिव वे में। और अन्नामलाई एक बहुत ही अच्छे आर्टिकुलेट है, यंग है, बहुत ही अपनी आईपीएस कैडर में बहुत बड़ी प्रतिष्ठित नौकरी छोड़ कर के आए हैं। दूसरा, लोग सोचते हैं कि यार इतना बड़ा होनहार कैरियर छोड़ के आया आदमी तो डीएमके या डीएमके में चला जाता उसकी तो जिंदगी बन जाती, तो वो मानना ही नहीं गया, वो बीजेपी में आया। तो लोग आप यार ये बीजेपी में गया मतलब कुछ मेटल है, कुछ अच्छे इरादे वाला इंसान लगता है, तो स्वाभाविक रूप से उसके आकर्षण का केंद्र बना है। और मेरी पार्टी की विशेषता है हम हर स्तर के हर छोटे मोटे कार्यकर्ता जिसमें क्षमता है उनको अवसर देते हैं। हमारा कोई परिवारवादी तो पार्टी है नहीं, परिवार से चलित पार्टी नहीं है, जिन पार्टियों में ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली होता है, और इसलिए हमारे यहाँ तो हर एक को अवसर मिलता है।